श्रीमान्मेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सुदाहृदी माता देवि त्वमसि भगवान् वासुदेवः पिता मे जातः सोऽहं जननियुवयोरेकलक्ष्यं दयाः दत्तो युष्मत्परिजनतया देशिकैरप्यतस्त्वम् किंते भूय प्रियमितिखिल विभासी ये बावीस तेईसवां श्लोक है हम बावीस श्लोक खत्म कर चुके हैं श्री स्तुति में आगे और दो श्लोक ही बाकी है कल फलश्रुति सहित दोनों श्लोकों को बोल देंगे तो मार्गशीर्ष महीने में अंतिम दिन में ये श्री स्तुति पूर्ण हो जाएगी आज का श्लोक में एक विशेषता है कि हेतुत्प्रेक्षा नामक अलंकार के लिए एक श्लोक ये श्लोक सुंदर उदाहरण बनता है हेतुत्प्रेक्षा एक अलंकार का प्रभेद है उत्प्रेक्षा में भी वस्तु हेतु फलात्मना ऐसा वस्तुत्प्रेक्षा हेतुत्प्रेक्षा फलोत्प्रेक्षा ऐसा तीन प्रक, प्रकार की उत्प्रेक्षा कही गई है किसी एक घटना को हेतु का परिकल्पना करना इसमें विशेष है घटना तो इस प्रकार है कि जब भगवान भगवती लक्ष्मी जी के मंदिर में वेदांतिक जी जाते हैं तब दर्शन होते होते ये ऐसे दर्शन देती है माता श्री लक्ष्मी जी की मुस्कुराती हुई दर्शन देती है वह अचानक मुस्कान का कारण क्या है ऐसा जब सोचते हैं तब एक कारण मन में आता है उस कारण को इधर कहते हैं वस्तुतः ये कारण कवि कवि से उत्प्रेक्षित है कवि से स्वयं कल्पित है कवि की इस प्रकार की कल्पना को उत्प्रेक्षा कहते हैं और वो भी एक एक हस हसी रूपी एक घटना को क्या हेतु हो सकता है ऐसा हेतु की उत्प्रेक्षा करने की वजह से हेतु हेतुत्प्रेक्षा बोलते हैं श्लोक इस प्रकार है फिर से एक बार देखेंगे माता देवी ओम भगवान वासुदेव पिता में जात सौहम जनन दत्तो युष्मत्परिजनतया देशिकैरप्यतस्त्व किन्ते भूयः प्रियमिति किल विभासी हे hey, देवी आप मेरे लिए माता जी हैं भगवान वासुदेव जी मेरे लिए पिता हैं माता देवी त्वमसि भगवान वासुदेव पितामि हे देवी तुम माता असी भगवान वासुदेवहा मे पिता सहज रूप से समझ में आने वाली चीज है पहला पाद तो इतना सरल है कि आप मेरी माता जी हैं और भगवान वासुदेव मेरे पिताजी हैं जात सोहम जननी युवोर एक लक्ष्यम आप दोनों की दया का एकमात्र पात्र भी मैं बन गया हूँ सह अहम तादृशाह कांशी क्षेत्र में ही नज़दीक में तूपुल नामक गांव में जन्मा मैं अक्सर भगवान का दर्शन करके करके आप और लक्ष्मी जी दोनों का कृपा पात्र भी बन गया हूँ कितने लोगों को ऐसे मौका मिलेगा कि नज़दीक में जन्म और हर दिन वरदराज भगवान का और महादेवी पेरण जी का दर्शन करने का सौभाग्य और उनके गुणगान करने के लिए अपेक्षित संस्कृत ज्ञान और शास्त्र ज्ञान ये सब भी विंशत्यब्दे विश्रुत नानाविध विद्या ऐसा बीस साल के पहले ही बीस उम्र के पहले ही सब तैयार हो चुके लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त है और लक्ष्मी जी देशिक जी जो चाहें वो करने के लिए तत्पर हैं ऐसे ऐसी परिस्थिति आपने ही बना रखी है और इतना ही नहीं दत्तो युष्मत परिजनतया देश के अर्थात देश के ही अपी हमारे आचार्य लोग भी आप दोनों की सेवा करने के लिए मुझे सौंप दिए हैं आपके पास सुप्रत कर दिए हैं दत्तो परिजन परिजनतया आप दोनों को परिजन के रूप से हमारे आचार्यों के द्वारा देशी के ही दत्ता युष्मत परिजन तया ही अपनी दत्ता अतः तव इसलिए आप क्या कर रहे हो किन्ते भूय प्रियम इस वेदांत देशिक जी के लिए और क्या चाहिए यार मैंने तो सब कुछ कर दिया इनको तो छोटे उम्र में ही विद्वान बना रखा है और इनके माताजी पिताजी अर्थात इनके मातुल जी से मातुलश्री से प्राप्त विद्या तो इनके पास है ही नादुर अम्माल के कृपा पात्र तो छोटे उम्र में ही बन गए हैं और इतना ही नहीं मैं स्वयं माता हूँ और पिता तो मेरे पतिदेव वासुदेव हैं हम दोनों के कृपा पात्र भी बन गए हैं और वेद आचार्य लोग भी उनको मैं हम दोनों के पास सौंप कर उसका भविष्य को तो बि, बिल्कुल सुदृढ़ बना दिए हैं और इस वेदांत देशिक जी के लिए मुझसे क्या अपेक्षित है ऐसा सोचकर मानो तू हंस रही हो कि भूय प्रियम इत मेरा वक्त इसलिए तो और क्या चाहता होगा ये ऐसा सोच कर मानो तू हंस रही हो अर्थात और कुछ देने के लिए भी उन उनके पास अभी फिलहाल नहीं है और देहांत में तो वैसे भी प्रार्थना वेदांत देशिक जी ने करके रखे हैं न्यास दशक में ये तथा देहावसानी ने मंत्र प्राप्य स्वयं ऐसा प्रार्थना कर रखे हैं वो भी प्राप्त होने वाला है वो तो उसके लिए तो बहुत देर बाकी है और बहुत अचीवमेंट करना बाकी है और वेदांताचार्य संज्ञा मिलनी चाहिए और लक्ष्मी जी की कृपा से सर्वतंत्र स्वतंत्र प्राप्त होना चाहिए और श्रीरंगादि दिव्य क्षेत्रों में जाकर बहुत सेवाएं करना बाकी है श्रुत प्रकाशिका प्रकाशित करना बाकी है इत्यादि अनेकानेक कृत्यों को वेदा और कर्नाटक देश में जाना है और कर्नाटक देश में रहते हुए श्रुत प्रकाशिका को सबके लिए प्रकाशित करना चाहिए शिष्यों को सिखाना चाहिए इतना काम इसको बाकी है अब किसके लिए मेरे सामने आकर खड़ा है इतना काम तो सौंपा हूँ इतना काम तो इससे कराना व कराना कराने वाली हूँ ऐसी हालत में किंते भूय प्रिय मि विभासी ऐसा श्लोक बहुत अत्यद्भुत ढंग से लक्ष्मी जी का जो <coughs> मुस्कान है उस मुस्कान का हेतु को सर्जित करता है ये श्लोक अर्थात वेदांत देशिक जी के दिमाग से परिकल्पित एक सुंदर उत्प्रेक्षा हेतु उत्प्रेक्षा है उस मुस्कान के लिए माता देवी भगवान वासुदेवः पितामी जातस्सोहं जननीयुवयोरेकलक्ष्यं दयायाः दत्तो युष्मत्परिजनतया देशिकैरप्यतस्त्वं किं ते भूयः प्रियमिति किल स्मेरवक्त्राविभासीं <coughs> कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिनी श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः